नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम मधु की रसोई में बथुआ मूंग दाल बनाने जा रहे हैं। दाल में लगने वाली सामग्री है, एक कटोरी मूंग की दाल ले ली है धुली हुई, उसको हमने अच्छे से 2 से 3 बार पानी में धो दिया है। 150 ग्राम बथुआ जिसको हमने साफ करके धो के बारीक काट लिया है, 2 टमाटर बारीक काटे हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 3 हरी मिर्च कटी हुई, 5 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग पाउडर और 2 चम्मच बड़े देसी घी। तो हम बनाना शुरू करेंगे। गैस ऑन करके कुकर रख दिया है। कुकर में हमने देसी घी डाल देंगे। देसी घी में ये दाल बहुत टेस्टी बनती है। घी को गर्म होने देना है, ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। घी गर्म हो चुका है, ज्यादा घी गर्म करने से जल जाता है। आंच को कम कर देंगे। जीरा डालेंगे, लहसुन डाल देंगे बारीक कटी हुई, अदरक, इनको तब भूनना है जब तक कि ब्राउन हो जाता है, यानी कच्ची महक इनकी चली जाती है। लहसुन अदरक अच्छे से भून चुका है, कच्ची महक चली गई है। अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हमने ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज अच्छे से भून चुका है, ब्राउन हो गया है। अब इसमें हमने हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही हमने आधी छोटी कटोरी पानी डाल देंगे। एक मिनट और चलाना है। एक मिनट हो गया है। अब इसमें हमने टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हमने जब तक पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता और घी नहीं छोड़ देता। टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं और टमाटर ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर, दस सेकेंड तक भूनना है। 10 सेकेंड हो गए हैं। अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ बथुआ डाल देंगे। बथुए को भी हमने लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भूनना है। लगातार चलाते हुए बथुए को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हमने धुली हुई मूंग दाल डाल देंगे। स्वाद अनुसार और
दाल को भी हमने बथुए के साथ एक मिनट तक भूनना है। दाल को भूनते भी एक मिनट हो गया है। अब इतनी सी दाल के लिए हमने 700 ml पानी डालना है। अब ढक्कन बंद कर देंगे और दो सीटी आने तक हमने दाल को पकाना है। दो सीटी आ चुकी है, गैस को बंद कर देंगे और दो मिनट के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोलना है। दो मिनट हो गए हैं, कुकर का ढक्कन खोलेंगे। दाल हमारी बनके तैयार है, अब इसे हमने सर्व करना है। टेस्टी हेल्दी बथुआ मूंग दाल बनके तैयार है। इसे आप चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूले ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।